कार का आगाज किया है। बहुत सारे कालज मौसूल हुए हैं। यहाँ के लोगों के कुछ मसले मसाइल हैं। पहले मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठा के यहाँ करप्शन को काफी हद तक खात्मा किया। उसके साथ साथ जिस तेजी से डेवलपमेंट चल रहा है वो काफी उजागर किया है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। और उसके साथ में ये कहना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में जितने स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुए हैं उसका लाभ आज आम जनता ले रहा है। और आज जो मुद्दा मकसद यहां आने का है, मुझे काफी दुख है, इस चीज से मैं परेशान भी हूं कि काजीगंज विसिनिटी मेन टाउन जो टूरिज्म प्लेस नहीं है, जहां 30-40 के करीब जामे मस्जिद है, 2 किलोमीटर सर्कुलर रेडियस पे, उसके साथ साथ दारुल उलूम और यहां की जितने भी सिविल ऑफिसेज है, चाहे मंदिर की हम बात करें, मंदिरों की बात, गुरुद्वार, कुल मिला के यहां के एजुकेशन सेक्टर को काफी परेशानी हो रहा है जो यहां पे वाइन शॉप का आगाज हुआ है। मैं एक्साइज एक्ट से खिलाफ नहीं हूं, पर मैं कहना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से और तहसीलदार काजीगुल से, कौन सी फिजिबिलिटी आपने प्रिपेयर करके यहां पे वाइन शॉप एस्टेब्लिश करवाया? अगर करना था उस जगह को चुनना था जहां पे आम जिंदगी को नुकसान ना हो, जहां के आम जिंदगी को परेशानी कर उठाना ना पड़े। आज मैं इस चीज को मजम्मत करता हूं। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूं कि काजीगुंड में वाइन शॉप का एस्टेब्लिश होना कोई टूरिज्म बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि यहां के युवा का जो यूथ है यहां पे वो ड्रग्स में और मुबतला होंगे। यहां जितने भी एजुकेशनल सेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से मुतासिर होंगे। क्या शमसिटा के 4 बच्चों ने नारा दिया, उनको धमकाएंगे हम? क्या उनको हवालात में डालेंगे? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? किस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं? अगर ऐसी डेमोक्रेसी है, हम पॉलिटिक्स के बजाय मरना ही पसंद करते हैं। यहां के आवाम लोग परेशान है, लोग मुसीबत में है, मुसीबत के बदले हमें रोजगार देना है यहां पे, न कि यहां पे लोगों को ड्रग्स की तरफ लेना है। अगर ड्रग्स की तरफ लेना है तो यहां के रोजगार के वसाइल बंद किया जाए। यहां पे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीमें है, उनको हमें बंद करना चाहिए। एक लाइन लेनी है क्या, जहां पे 20-25 स्कूल है, जहां पे मस्जिद शरीफ 20-25 है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिस है, किस ऑफिसर ने ये फिजिबिलिटी दी है कि पब्लिक के बीच में ये वाइन शॉप होना चाहिए? क्या इसके लिए और कोई जगह नहीं था? ये एलजी साहब को पता नहीं है कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसी जगह पे वाइन शॉप है, वरना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर बिफोर कार्रवाई करके इस चीज को यहां से शिफ्ट करते, बंद किया जाए। लोग परेशान है। मैं जब काजी को गुनीगंज से आया, अचानक मैंने गौसिया कॉलेज के कुछ स्टूडेंट देखे और शमसिटार के कुछ स्टूडेंट देखे, उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा ये मैं जानता हूं। जब ऐसा हाल है तो हमारे साथ क्या होगा? मैं यही कहूंगा कि ये एक डेडलाइन है डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के लिए, तहसीलदार काजीगुंड के लिए, जिन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के यहां पे ये एस्टेब्लिश कराया। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर इस चीज को, वाइन शॉप को यहां से नहीं उठाया, इसको यहां से क्लोज नहीं किया, आने वाले समय में अनंतनाग वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसर कॉन्स्टिट्यूंसी के 20,000 के करीब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पे आके इसके खिलाफ विरोध शुरू करेंगे और इस चीज को हम बंद करेंगे। आबिद खान खुद